और ये बात करते हैं उत्तराखंड बोर्ड की। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद आज सुबह 11:30 बजे बोर्ड का रिजल्ट घोषित करने वाला है। इसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार इन परीक्षाओं में 10th में 1,12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं और 12th में 92,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो चुके हैं। इस बार उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट खास रहने वाला है क्योंकि बोर्ड के इतिहास में रिजल्ट इस साल पहली बार 1 महीने पहले अप्रैल में घोषित किया जा रहा है। पिछले साल तक रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह में घोषित हुआ था। तो www.ubsc.uk यानी कि uttarakhand.gov.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। टीडी की बात करेंगे जहां पर लमगांव क्षेत्र में एक बार फिर से गुलदार के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। घरों में लोग कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। लमगांव के 3 गांव में पहले भी गुलदार की दहशत रह चुकी है। वो कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुके हैं। बीते दिनों पिपलोगी गाँव में गुलदार ने एक लड़की पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं वन विभाग ने पिंजरा और ट्रैप कैमरा लगाया, साथ ही रात में गश्त कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ही हमारा बचाव है। ऐसी घटनाओं में हम लोग जरा सचेत हो जाएं। हम मान रहे हैं कि क्षेत्र में लेपर्ड की आवाजाही बढ़ी है, तो हमारा अपना बचाव हमारे हाथ में, खास करके छोटे बच्चों को सुबह अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग पे हम लोग उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनके साथ में रहें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक कार पर खड़े होकर फोन पर बात करता हुआ आपको नजर आएगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गंग नहर पर बनाया गया है, पुल के ऊपर बनाया गया है ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक कार के ऊपर रील बना रहा है, गाड़ी का नंबर भी उत्तराखंड का ही है। उधर इस मामले में पुलिस ने कहा है कि युवक का सीसीटीवी या फिर आप कहिए कि फोन पर जो बनाया हुआ ये वायरल वीडियो है उसमें उसको चिन्हित कर लिया गया है और अब उचित कार्रवाई की जानी है इस पूरे मामले पर। खड़ा हुआ है, इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि खतरनाक तरीके से वाहन को चलाना, उस पर खड़ा होना और अपनी जान खतरे में डालना तथा दूसरे की जान खतरे में डालने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में संबंधित व्यक्ति का चालान भी कर दिया गया है तथा उसको नोटिस देकर बुलाया जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।